सो गाइस, ये वीडियो एक अपडेट वीडियो रिगार्डिंग माय प्रीवियस वीडियो। सो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे उस वाली वीडियो पे कि वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसी टॉपिक के बारे में और कंटिन्यू करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो गाइस थैंक यू यार, तुम लोगों ने जो तबाहीदार रिस्पॉन्स दिया मेरी MKOS वायरस वाली वीडियो पर। यार तुम लोगों ने मतलब बहुत ही गदर ही मचा के रख दी उस वीडियो पर। अभी करेंटली वो 1K से ऊपर है और वो मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी टू क्रॉस 400 व्यूज़ विद इन 4 डेज। तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे चैनल के लिए, क्योंकि करेंटली अभी ग्रोइंग स्टेज में है ये। तो यार जो भी नए सब्सक्राइबर हो, मतलब नए व्यूअर हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ये स्टैट देख लो यार, जो भी वॉच टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेरे जो चैनल पे है वो अनसब्सक्राइब वालों से आता है, लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है। तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि करेंटली ये चैनल ग्रो हो रहा है और करेंटली इस पे 484 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम जस्ट स्टार्ट ही होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा मेरे तो 28th से स्टार्ट है। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मैंने वीडियो बनाई है। तो गाइस प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। तो जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आए, कुछ लोग इस प्रॉब्लम में थे, करेंटली फेस कर रहे थे और उन्हें एक सॉल्यूशन चाहिए था। तो उनको मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करने के अलावा मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई वीडियो बना दी जाए। तो जिन्होंने भी कमेंट किया था कि वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो चाहते थे कुछ रिस्पॉन्स और हेल्प मेरे से, तो करेंटली मेरा PC तो गया है, मतलब जा चुका है वापस कंपनी। और क्योंकि जो मेरा PC था करेंटली वारंटी पीरियड में था और उनसे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा रही थी, तो उन्होंने रिटर्न कर लिया। तो करेंटली मेरे पास PC नहीं है। तो अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे बाकी व्यूअर्स से जिन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है। तो एक बार आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, वरना आप अपने PC मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई इंजीनियर से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में कोई डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं था या फिर कोई न्यूली बॉट PC था और बस कुछ फाइल्स ही थी, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप उसको फॉर्मेट कर दें और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लें, जो भी आपके PC में पहले था, विंडोज़ या फिर MacOS, और फिर आप उसको रन कर लें। और मैं सजेस्ट करूँगा कि पार्टीशंस भी डिलीट कर दें आप विंडोज़ को इंस्टॉल करने के टाइम, वरना हो सकता है वो किसी कैश फाइल की तरह पड़ा होगा। सो गाइस, आप अगर इस चैनल पर बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं इस चैनल पर कौन सी वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेनली अनबॉक्सिंग वीडियोस, टैग वीडियोस और ऐप रिव्यूज़। तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस चैनल पर देखना चाहेंगे, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और पोल में भी आप आंसर दे सकते हैं, कुछ मैं ऑप्शंस रख दूँगा पोल या फिर कार्ड में। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड इस वीडियो में मैंने कंटिन्यू करा था अपने पुराने वाली वीडियो के कुछ क्वेरीज को और सॉल्व भी किया था जहाँ तक मैं कर सकता था। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि करेंटली सब्सक्राइबर मेरे काफ़ी लो हैं। और आई होप कि आप इस वीडियो को भी एक बढ़िया रिस्पॉन्स दो। सो विद दैट से गुड बाय गाइस।